तो बरेली में हुए ऑल इंडिया इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल की स्थापना दिवस पर AIIMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर ने एक बार फिर विवादित बोल बोले। तीन तलाक के मुद्दे को लेकर तौकीर ने हिंदू धर्म पर तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारे यहाँ भी तो एक औरत के पांच पांच शौहर होते हैं और औरत को यह भी पता नहीं होता कि उसके बच्चे का बाप कौन है। आगे तौकीर ने धमकी देते हुए यह भी कहा कि अगर हमारे मामलों में दखल देंगे तो फिर हम तुम्हारे मामलों में भी दखल देंगे। मैं ये चाहता हूं कि अगर मस्जिद में अजान हो तो मंदिरों में भी गायत्री मंत्र पढ़े जाएं। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर खां बरेली में 2010 में हुए दंगे के आरोपी भी हैं। मैंने कभी कहा कि तुम्हारे यहाँ क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? मैंने कभी कहा? मैंने तो तुम्हारे यहाँ भी देखा है, तो फिर भी कई जगह पे मैंने देखा है एक औरत के पांच जवान है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये अन्याय है औरतों पर, और उस गरीब को पता ही नहीं कि इसके बच्चे का बाप कौन है, छोटा भाई है कि बड़ा भाई है। पांच पांच शौहर एक औरत के, हमने कभी नहीं कहा गलत है। तुम्हारा धार्मिक मामला है, तुम जानो। तो बेहद खास समय लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर जरार, आप ही के पास जाना चाहूंगा। सर, ये कौन से बयान थे तौकीर रजा के? क्या समझाना चाह रहे थे? हिंदू महिलाओं की इज्जत के साथ ये किस तरह की छेड़खानी है सर? बदमिजाजी का सबब क्या है? देखिए, कल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था जिसको हमने सद्भावना के रूप में मनाने की कोशिश की। उसमें मौलाना ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि जो मुखालफत कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे मामले में दखल ना दे, किसी के मामले में हम दखल नहीं देते। हिंदुस्तान में बहुत सी जगह बहुत से कानून हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कबाइली कानून हैं, लेकिन हमने कभी किसी कानून की मुखालफत नहीं की। बहुत सी जगह पे ये भी रिवाज है कि एक औरत के पांच शोहर है, लेकिन हम उसको बुरा नहीं कहते। हम कहते हैं कि उनका अपना मामला है, वो अपने तौर पर निपटे। कौन सी जगह पर है? एक उदाहरण तो दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। पंजाब में, हरियाणा में, हमारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको, पूरी लिस्ट दे दूंगा। पंजाब में, हरियाणा में, हमारे टीवी पर आयो तो लिस्ट लेकर आनी चाहिए थी ना। टीवी पर आयो किसी को डिफेंस करने तो लिस्ट लेकर आते। लिस्ट सर, और हमने ये नहीं कहा कि जरार आपको पहले तीन तलाक की आ जाएगी। तीन तलाक की अवधारणा को समझना होगा पहले तो। सर, तीन तलाक की अवधारणा को समझना होगा। घनश्याम जी, प्लीज अलाउ मी टू जंप। प्लीज घनश्याम जी, प्लीज प्लीज। देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जरार साहब सुनिएगा, जब मोहम्मद साहब की जीवनी में लिखा है, हजरत मोहम्मद साहब हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, उनकी जीवनी में लिखा है कि उनके उनके जन्म से पहले पेज नंबर 28 पर कि जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो उनके जन्म से पहले जो उनके वालिद थे, उनके पिता थे, उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन उनकी मां ने उनको बताया कि आपके वालिद जो है वो अब्दुल्ला जी थे और उन्होंने उसको माना, वही उनकी जीवनी में छपा है। हर हिंदू के यहाँ उसका वर्ण कौन सा है, उसका गोत्र कौन सा है, उसका माता कौन है, पिता, दादा, परदादा, परदादा, सात पीढ़ियों का हिसाब रखा जाता है। ये आइडेंटिटी जो तुम्हारे मौलाना ने कहा, मुझे लग रहा है उसको शीशे में देख के कोई गलत फहमी हुई होगी कि मैं उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो वो ये सब बोल दिए। इतनी देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आधी आबादी को लेके आप कहते हो कि ये सद्भावना रैली थी? ठीक है, अरे यही सब करना है तो खुल के आओ ना मैदान के अंदर। सद्भावना के मार्ग को लेते हो, होने तो जो एक बार हो रहा है, किसने रोका? ठीक है, ठीक है, ठीक है। विरोध बन सर, ये किस तरह की भाषा है सर? किस तरह की भाषा जिसका इस्तेमाल खुले मंच पे किया गया? आप मुझे बताइए ना, क्या मोहम्मद साहब से सवाल करा किसी ने? जब उनके वालिद का इंतकाल उनके जन्म से पहले हो गया, उन्होंने भी तो माना मेरे वालिद जो है वो अल्लाह है। गौतम साहब, अगर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को लेकर कोई दिक्कत है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे को अपनी आइडेंटिटी को लेकर कोई गलत समाज करो, महाभारत अगर दूसरे समाज के अंदर उंगली उठाओगे तो वो ना आपके लिए अच्छा ना औरों के लिए अच्छा। विनोद जी,
घनश्याम जी एक बड़ा बहुत बहुत ही विचित्र स्थिति है। देखिए एक मिनट महाभारत का उदाहरण लेके उस पर नहीं डाल सकते। नहीं नहीं, 9 साल की आयशा से अगर किसी ने शादी करी थी तो हर मुसलमान 9 साल शादी नहीं करता। एक मिनट अजय जी, और कुरान पढ़िए नहीं पढ़िए, बिल्कुल नहीं चाहते हम। सुनिए सुनिए जरार साहब, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। 100 उदाहरण पुराने हदीस के 100 उदाहरण हैं। अजय जी ठीक है, अजय जी जवाब निकालना मुश्किल हो जाएगा। सर विनोद जी देखिए, इनकी जो मौलाना साहब की बात से एक बात मुझे याद आ गई है, बड़ा एक प्रूव हो गया एक तरह से, कि ऐसे मौलानाओं के कारण ही मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर जब मस्जिद से नमाज पढ़ के जब लोग निकलते हैं ना, तो तुरंत तिरंगे को जलाते हैं और तुरंत जो है ना पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं, तुरंत ISI के झंडे को लेकर के खड़े हो जाते हैं। आखिरकार ये मस्जिदों में क्या यही सिखाया जाता है? एक बात, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी बात को लेकर के कटाक्ष किया जाए, ना ही मैं ये जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है ना मौलाना होकर के, जिस तरह का ये बदतमीजी इन्होंने की, हजरत मोहम्मद देखिए, आपने हजरत मोहम्मद के नाम पर सुनिए हम, मैं हजरत मोहम्मद के बारे में आप इस तरह वाले, अरे सुनिए हम, मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी, बहुत भारी पड़ेगा बोलना, लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर हमारे धर्म के अंदर इस तरह की बातें नहीं लिखी। हम नहीं चाहते कि किसी का अपमान हो, लेकिन आप हमें मजबूर मत करिए, अरे मजबूर करने मत करिए, अभी देखिए सिर्फ 3 तलाक क्या सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं है, तब तो आप इतना बिलबिला रहे हो, जब होगा जाना क्या होगा, आप लोग क्या कहना चाहते हो आप इसका मतलब? अरे भाई जिससे लड़ना उससे लड़िए ना, पूरे समाज को हमारा पहला मामला घर का मामला है, मैं जब बोलना पड़ा, नहीं नहीं तुम्हारे घर का मामला तो मेरे घर पर होना ही ठीक है, तुम घर से बाहर क्यों आ रहे हो? अंदर रखिए, खाल के अंदर रहना सीखिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, दोबारा किसी ने हिंदू धर्म के ऊपर किसी तरह का कब लाक्षण लगाने की कोशिश की, दखल दे रहे हो उसका, नहीं हमने कोई दखल नहीं दिया, हमने कौन सा दखल दिया, बताइए कौन सा दखल दिया तुम्हारा, कौन से हिंदू ने दखल दिया? मौलाना अंसार रजा को भी जोड़ लेते हैं। मौलाना अंसार रजा, सामाजिक एकता सम्मेलन में ये किस तरह की बात तौकीर रजा कह गए कि बवाल हो गया, आप कैसे देखते हैं इसको अंसार रजा? देखिए घनश्याम जी, जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि किसी के तुम अपने मजहब को अच्छा कहो लेकिन किसी दूसरे के मजहब को बुरा मत कहो। एक बात, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा हम उस बात पर नहीं जाना चाहते। नहीं सर, चर्चा उसी पे हो रही है ना सर, चर्चा उसी पे हो रही है सर, उसी पे मैं रिएक्शन चाहता हूँ आपका। सुन तो लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैंने क्या कहा, मैंने अपने प्रॉफिट की बात बता दी है, मौलाना तौकीर रजा हमारे प्रॉफिट नहीं है, उन्होंने क्या कहा किस संदर्भ में कहा ये तो वो जवाब देंगे। नहीं तो सर, आप निंदा करते हैं उसकी, आप निंदा करते हैं इस तरह की बदज़बानी की सर, इस तरह के बयान की आप निंदा करते हैं क्या मौलाना अंसार रजा, ये बता दीजिए फिर। अगर मौलाना का कहना का मतलब सिर्फ ये है कि रवायत उनके पास है तो उनको बताना, जो उनका रिवाज उस तरह है वो हमें कोई एतराज नहीं है कि इस तरह की गुफ्तगू किसी को नहीं करना चाहिए कि किसी ने दिया पहुंचे। ठीक है, दूसरा अभी आपने देखा कि विनोद बंसल साहब धमकी दे रहे हैं, गौतम साहब धमकी दे रहे हैं, विनोद बंसल साहब हमने भी धमकी क्या दे रहे हैं, आप धमकी आपने दी है पहले, हमने दी है, मुझे बताइए आपको ये हिम्मत किसने दी, आपको आखिरकार ये ताकत किसने दी कि आप दूसरे के ऊपर इस तरह की बेहूदा बातें करोगे? डिबेट कीजिए ना आप, मुझे अंसार साहब ये बताइए, हमारे अंसार राजा जी मुझे बताइए कि क्या आप उनको कंडेम नहीं कर रहे और आप कह रहे धमकी दे रहे हो, क्या मतलब है धमकी देने का? आप सीधे आप चैलेंज करके पूरे समाज धमकी के ऊपर की सरकार चल रही है, पूरी सरकार धमकियों के ऊपर चल रही है, पूरे समाज को आप बदनाम करने की कोशिश करोगे नहीं यार, तो क्या समझ में आएगा आपके? हमने क्या कहा, क्या मैंने सपोर्ट किया देश को तहदीब करने की कोशिश करें, आपको अपोज करना चाहिए इसे। ठीक है मनीष शुक्ला, आपकी पास भी आना चाहिए, यही मानसिकता तो है जो कट्टरपंथ निर्माण कर रही है, देश का दुश्मन तैयार कर रही है, देश के धार्मिक उन्माद फैलाना बिल्कुल मकसद नहीं है। मनीष शुक्ला, और जहाँ तक सवाल सुनिए पहले, विश्व हिंदू परिषद कान खोल के सुन ले, यहाँ धमकी देने की जरूरत नहीं है मौलाना साहब, जोर हम भी नहीं है, अगर हम भी बहाल देना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हम जो है ना जब तक शांत रहते हैं तमीज और हम चाहते हैं कि आप भी शांति के साथ रहें, क्या करोगे शांत रहने होगे तो नहीं नहीं रहोगे, आग लगाओगे क्या मुल्क में? नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हो, आग लगा रखी है, क्यों करते हो तुम लोग,
आग लगाने के अलावा क्या सीखा है आपने? सर ये कॉन्क्रीट बहस होनी चाहिए, शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मनीष शुक्ला साहब, तीन तलाक के मामले में अगर आप दखल देंगे तो तौकीर रजा का कहना है कि हम हर मामले में दखल देंगे। ये तीन तलाक का मामला हिंदू मुस्लिम का मामला कैसे हो गया? मेरे हिसाब से तो ये जेंडर जस्टिस का मामला है, इक्वालिटी का मामला है। क्या भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है देश में? घनश्याम जी देखिए, तीन तलाक का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उस पर केंद्र सरकार ने जो भी विधिक बातें हैं उसको रखी। लेकिन मौलाना तौकीर रजा ने जिस शब्दों का प्रयोग किया निश्चित रूप से निंदनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और 10 में ये दंगों के आरोपी रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था का विषय उठता है। और हम मुझे ये अपेक्षा है उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार से, अमित शाह को तो सजा मिली है, अमित शाह को तो अदालत ने सजा दी है, तो अमित शाह से लड़ो ना, देश बना रखा है, अमित शाह से लड़ो। हिंदू औरतों ने क्या कहा तुम्हारे को? हम बोलते हैं तुम्हारी औरतों के बारे में, अमित शाह तो ये जो अमित शाह से लड़ो ना, अमित शाह जो कह रहे हैं तो बोलो तो अगर दंगों का आरोप लगा रहे ना, पंजाब जी देखिए, डॉक्टर जरार आपके टीवी को माध्यम बना के अपने चेहरे को फेमस करना चाहते हैं, केवल इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जरार साहब मैं ये चेहरे को फेमस मत बनाइए और इस तरह की समाज को तोड़ने वाली बातों को अपना मंच प्रदान आपने किया है। जितना दोषी वो तौकीर रजा है उतने आप भी हैं। और रविदास मल्होत्रा जी कैबिनेट के मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश सरकार के, मुझे उनसे अपेक्षा है कि इस तरह की बात करने वालों की जगह जहां होनी चाहिए उस जगह पे तौकीर रजा को भेजना चाहिए। रविदास मल्होत्रा अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या सार्वजनिक मंचों पे ऐसे तो बहुत हो गए हिंदुस्तान में, क्या सुमो मोटो लेगी खुद से स्टेट गवर्नमेंट? रिस्पॉन्ड करिए रविदास मल्होत्रा। देखिए घनश्याम जी, किसी को भी सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का अधिकार नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे। और मैंने आपसे पहले कहा था, मेरी बात बीच में आपने काट दी, कि मेरा मानना है कि दुनिया का मालिक एक है, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम परमात्मा है। जो कुछ तौकीर रजा ने कहा सर, जो कुछ तौकीर रजा ने कहा की बात है वाली है, फिर कमलेश तिवारी लग सकता है तो तौकीर रजा के ऊपर क्यों नहीं लगे? आप अपनी बात कह चुके, हम सुन रहे थे ना, आप जब सुन रहे बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। आप सरकार है, सुन लीजिए, आपसे अपेक्षा है कर लूं कि उसके बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा। रविदास जी बोल रहे थे जिन धाराओं में कमलेश तिवारी को आपने निरुद्ध किया था, उन्हीं धाराओं में तौकीर रजा को निरुद्ध करिए, आप सरकार है। हम सुन रहे थे रविदास जी, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे डिबेट नहीं कर रहे हैं, सरकार है। मुझे आप जब बोल रहे थे ठीक है ठीक है, अजय जी प्लीज इंटरव्यू करिए। जब बारी बारी बुला रहे, बोलिए बोलिए रविदास जी, बोलिए सर, सर बोलिए, मैंने सबको चुप करा दिया, सर बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। डिबेट में सबको अपने सर छोड़ दीजिए, डिबेट नहीं ले लोगे सर, अब बोलिए सर। हमने पहले कहा कि कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में अमन शांति और चैन कायम रहे। और इस दुनिया में जितने भी पैगंबर या अवतार हुए हैं उन सब लोगों ने एक बात कही है कि दुनिया में अमन चैन और शांति सद्भाव कायम रहे। छोड़ दीजिए तौकीर रजा के ऊपर FIR होगा कि नहीं होगा? अगर उन्होंने सामाजिक माहौल खराब किया है तो सांप्रदायिक माहौल अगर खराब करने का काम तौकीर रजा ने छोड़ा, डॉक्टर जर्रार मनीष भाई एक सेकंड किया है तो FIR होगा, सुसंवाद होगा कि नहीं होगा?
रविदास भाई एक सवाल कर रहा हूँ, जो कुछ कॉपी बजाने का है रविदास जी सुन लीजिएगा, करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रविदास जी मेरा छोटा सा सवाल है, सुनिए रविदास जी, बता दीजिए निर्दोषों की हत्या करे ऐसा किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, अगर किसी खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, अच्छा रविदास जी मेरी छोटी सी बात है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, कही घनश्याम जी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, जो भी कुछ इस मौलाना ने कहा है, आप भी हिंदू हैं, आपके घर में ही बहन बेटियां हैं, आपके चीफ मिनिस्टर के घर में ही बहन बेटियां हैं, और आपके जो सुप्रीमो है मुलायम सिंह उनके घर में हिंदू बहन बेटियां हैं। एक बार वो मौलाना का कहा हुआ बयान अपने सुप्रीमो की बहन बेटी, अपने चीफ मिनिस्टर की बहन बेटी और अपने घर की बहन बेटी के संदर्भ में जोड़िए और उसके बाद बताइए कार्रवाई कब होगी। बस देखिए हमारे लिए सिर्फ ये बताइए कार्रवाई कब होगी, जोड़ के बताइए, आप बताइए कार्रवाई कब देश के अंदर। सुनिए हमारे से ज्यादा हो तो कौन करेगा, नहीं हम सबको बेटी और अपनी बहनें मानते हैं, हमारे लिए हर औरत माँ बेटी और बहन है। ठीक है, निबंध नहीं सर, निबंध नहीं सर, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है कमला का त्रिपाठी जी, सर ये कैसे बयान है, महिलाओं की इज्जत को करने का एक तरफ इज्जत से खिलवाड़, रिस्पॉन्ड प्लीज बोलिए त्रिपाठी जी, आप बोलिए। देखिए घनश्याम भाई तौकीर रजा के बयान सर, आपको लाऊंगा इसके बाद सर, आप ही के पास आ रहा हूं, एक मिनट, इस तौकीर रजा के इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, समाज में इससे ज्यादा वैमनस्यता फैलाने वाला बयान और कोई नहीं हो सकता था। अगर आप अपने अधिकारों को लेकर मौलाना ने हिंदू को बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने कहा कुछ जगह पे ऐसा होता है सर, आपने बयान गलत, डॉक्टर जरा आप बयान क्या होता है क्या जरा होता है, आप उस पर अथॉरिटी नहीं है और काइंडली आप बीच में मत बोलिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए पहले, उसके बाद बात करिएगा। किसी व्यक्ति को अगर अपने धर्म और मजहब से रिलेटेड किसी भी इशू पर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसके प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो उसका भी प्लेटफॉर्म है, अगर सामाजिक प्रक्रिया चल रही है उसका भी प्लेटफॉर्म है। संविधान बनाने वालों ने उस समय सारे जातियों धर्मों और उपजातियों के भी तमाम इस तरह की जो प्रचलित मान्यताएं थी उनको कंसिडरेशन में लिया है, हिंदू एक्ट भी है, मुस्लिम एक्ट भी है, उनका पर्सनल लॉ भी है, हिंदू पर्सनल लॉ भी है, और सिखों ईसाइयों से भी चीजें ली गई हैं। बेसिकली जो बयान दिया गया है वो पूर्णतया घटिया और इस ये किसी भी हालत में कोई भी इसको सही नहीं ठहरा सकता। और रविदास मल्होत्रा जी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनको मेरा ये मानना है कि उनको इस बात पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए सरकार को, और जो भी इस तरह का चाहे वो हिंदू कम्युनिटी की ओर से बयान आते हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी या ईसाई या सिख या जैन बौद्ध, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को देश के ताने बाने से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ध्यान रखना अगर इस देश में गिरिराज सिंह के बयान की कि वो हमारे देश के मुसलमानों को कहते हैं कि जो मोदी का समर्थक नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए, तो हम इस बात की भी निंदा करते हैं कि उन्हें कोई हक नहीं किसी भी व्यक्ति को सेट कर लेते हैं कि किसी के धर्म पर कोई उंगली उठाए। अंसार रजा साहब, अंसार रजा बोलिए, ठीक है अंसार रजा साहब बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आऊंगा सर आऊंगा आपके पास, अंसार रजा बोलिए प्लीज। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे हिंदू भाइयों की देवी देवताओं की बेइज्जती इस जुमले में होती, अगर किसी का नाम उन्होंने लिया है तो बेशक उनको सजा होनी चाहिए। बात देवी देवताओं की नहीं है रजा साहब, बात आम महिलाओं की है, बात आम हिंदू समाज की है, ये बात उनकी नहीं है, ये कॉमन बात नहीं है, समाज पर कही गई है, नहीं हो रही। अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं क्या टिप्पणी की जाएगी दोबारा सुनेंगे क्या, आप भी उसी तरह प्रतिकार करेंगे, ये गलत है घटिया है और इस बात को आपको मानना चाहिए। मौलाना अंसार रजा अभी आपने बयान सुना तब भी अगर की गुंजाइश आपको लगती है कि सर आप तो बहुत जहीन है सर, कैसी बात कर रहे हैं, अगर जोड़ रहे हैं फिर भी
नहीं क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? आपने नहीं सुना सर, मैं फिर सुना दूं क्या? मैं फिर सुना दूं ऐसा बयान मामले मैं फिर सुना दूं सर। बयान पे बहस हो रही है और उनको पता नहीं क्या बयान सुना है। नहीं नहीं सिर्फ मत चलवाइए सर, हमें सुन के हम लोगों को खून खौलता है सर। उस बयान को सुनने की और सुनाने की हिम्मत हमको नहीं होती बार बार, और आप कह रहे हैं आपने सुना नहीं, बहुत अजीब लगता है सर। अंसार साहब मजे ले रहे हो क्या बीच में बैठ के आप? नहीं मतलब ये तो हद है। देखिए एक बात, मजे नहीं ले रहे आप, जानते हैं हमारे मिजाज को और हमें। तो आप मुझे बताइए, एक पूरी इंटायर सेक्शन पूरी कम्युनिटी की ऊपर एक उंगली उठा रहा है एक व्यक्ति, और मैं तो कह रहा हूँ अरे लड़ाई है हमसे है, सीधी है, सीधी लड़ाई लड़ो ना। ये कौन सा तरीका है किसी के घर पे किसी बहन किसी की बेटी किसी की माँ के ऊपर इस तरीके की कमेंट्स पास करना? बता दो दीजिए कौन सी कुरान कौन सी हदीस में ये लिखा है किसी की अगर निंदा करनी है? अरे तीन तलाक का मसला हमने नहीं उठाया, मुसलमान औरतें गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हिंदू औरतें नहीं गई है। आपने अपनी और उनको तो रोका नहीं कि जिन्होंने कहा कि तीन तलाक पे बैन लगाइए, आपका कुछ बचा नहीं था दूसरे धर्म की औरतों के ऊपर आप बात करने लगे। अजय जी अब सुनिए, क्या कर बैन कह रहे हो? अरे हिंदू औरतों ने जाके पिटीशन डाली है क्या, ये बताइए। ठीक है बोलिए, पिटीशन डालने वाली मुसलमान औरतें, जवाब देने वाली मुसलमान औरतें, आप सरकार का तो हिंदू कहां से बीच में आया? ठीक है मैं पहले भी कह चुका हूँ गौतम साहब थोड़ा सब्र रखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा मजहब किसी भी दूसरे मजहब को बुरा कहने की इजाजत नहीं देता। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ उसको तो समझिए आप। लेकिन मौलाना अगर व्यक्तिगत बयान दे रहा है किस मजहब का होता है, तो तौकीर रजा की निंदा करते वक्त तो मौलाना नहीं है, आप इनको निकालिए मौलाना से, कल से मौलाना नहीं रहेंगे। आप घोषणा करिए टीवी पर, और नहीं तो फिर आप ये मत कहिए कि मौलाना मुसलमान होता है। ये मौलाना होकर के जब सरेआम और एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रधान होकर के इस तरह की बातें कर रहा है बंसल साहब, आप समझिए ना इसको, बताइए आप। हम समझ रहे हैं उस चीज को, क्या समाज की बात थी, उस हिंदू मुस्लिम बात का है, अपनी पार्टी से समाज में ऐसा भी होता है कि जो अशोक सिंगल की अर्थी में ले जाकर के गायों को लाते मार रहे थे, ऐसा है कुछ सोच लीजिए, उनको हाथ मार देंगे विषय से भटकने की कोशिश मत करिए, से बचाव करना होता है सर, ये अंसार साहब देखो मैं आपसे बड़ी बहुत उम्मीद रखता हूँ कि आप सच को सच बोलने की हिम्मत रखते हो। आप उस व्यक्ति की उस मौलाना की उन्हीं शब्दों में निंदा करो जिस शब्द के लिए वो जिसके लायक है, और कैबिनेट मंत्री भी यहाँ बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कमलेश तिवारी को तो आपने डाल दिया जेल में, आप टाइम बता दीजिए उस व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे अगले चुनाव का, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। सरकार नहीं है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप सरकार नहीं है तो कम से कम निंदा कर सकते हैं, लेकिन मुद्दे बनाओ ना, कितने मुद्दे बनाओ, मुझे पता है अंसार राजा साहब आप निंदा नहीं करेंगे, मना कर रहे हैं आप निंदा उनकी भी नहीं करते, कितने मुद्दे बनाओ जिससे निकल करके तुरंत जो है ना वो तिरंगा जलाते हैं, आप निंदा उनकी भी नहीं करते सीधा सीधा जिहाद के नाम पर और बेकसूर लोगों का खून करते हैं, जितनी आप निंदा उनकी भी नहीं करते जो मानवता की हत्या करते हैं, आप निंदा उनकी भी नहीं करते जो मरेंगे तो निकल करके और मौलाना होकर के और दुनिया को चैलेंज देते हैं। आखिरकार ये लोगों की इतनी हिम्मत इसीलिए तो होती है जब आप कहते हैं हम तो अच्छे, डॉक्टर जरार बोलिए, ठीक है ठीक डॉक्टर जरार, डॉक्टर जरार बोलिए, डॉक्टर जरार ठीक है ठीक है, डॉक्टर जरार कुछ बोलिए। नहीं श्याम जी सर आऊंगा, सर आ रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे इस बात को कहा है, मनीष जी आ रहे हैं, डॉक्टर जरार बोलिए, इन्हीं की पार्टी का प्लेटफॉर्म था, दादरी के मर्डर पे तिरंगा डाला इन्होंने, क्या इसकी निंदा करेंगे? क्या 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 दादरी का जो मर्डर था, अखलाक के कातिल को शहीद का दर्जा दिया, उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा, मुकदमा चलेगा अखलाक पे, गौ हत्यारे के सपोर्ट में आना इस देश के लिए अपराध है, और आप समझ लीजिए अभी 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 जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो ठीक नहीं है, आप अपनी अपनी औकात में रहिए। हमारा कह रहे मौलाना ने सिर्फ ये कहा कि हमारे समाज में ऐसा भी होता है, सिर्फ का क्या मतलब है? अरे बात तो सुनी पूरी बताइए, ये बताइए समाज में अलग अलग रिवायतें हैं, अलग अलग रिवाज, बेकार की बचाओ मत करिए, हिंदू धर्म का ऐसा साफ साफ छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए क्या कहा क्या नहीं का वो हम सब ने सुन लिए डॉक्टर जरार, अब बेवजह की अरे कर्नाटक में आप सब महाराष्ट्र करिए, आंध्र में रफूमत करिए, मैं कैसे निवेदन करूंगा इनको अरेस्ट किया जाए, साथ में जरार अहमद को भी अरेस्ट किया जाए,
इस चर्चा का कोई फायदा होता है? उत्तर प्रदेश की शांति का भंग करने का कोई फायदा होता है? राणा की गिरफ्तारी होनी चाहिए बिना बिना किसी देरी के। रविदास में रुद्रा, हिंदू समाज इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रविदास मेहरोत्रा, कॉग्निजेंस लेगी आपकी पार्टी सर, आपकी गवर्नमेंट है सर, क्या इसको सुमो मोटो लेते हुए आप स्टेप लेंगे सर आगे? इस तरह की बदजवानी अगर प्रदेश में होगी तो माहौल बिगड़ना तय है, इस तरह की बहस से अंदाजा लग पा रहा है। तलाक का मसला है, मुसलमानों का आपस का मसला है, इसको आप सिविल कोर्ट रहे हैं। हमने कब कहा था तलाक के लिए? हिंदू समाज ने किसने कहा था तलाक रोकने के लिए? अरे यू करिए, शेयर करिए, लेकिन संविधान देश का कानून तो मानोगे ना? सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों दिया है? देश के संविधान से ऊपर आप नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, ठीक है। मनीष शुक्ला चलते चलते आखिरी रिएक्शन 30 सेकंड में अगर दे पाए। घनश्याम जी, तौकीर रजा का बयान निंदा योग्य है, और जिन्होंने उनको प्लेटफॉर्म जिस संगठन ने मुहैया कराया था उन दोनों के ऊपर सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का आरोप लगाकर, और जैसे कमलेश तिवारी के ऊपर आपने कार्रवाई की थी उसी तरह की कार्रवाई के को सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, लेकिन इस तरह की बदजवानी की किसी तरह की कोई गुंजाइश कम से कम सियासत में नजर नहीं आती, और इसकी सभी निंदा कर भी रहे।